हेलो कृपा, कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम आ रही हो, और फिर तुम तैयार भी तो थी ना। क्या हुआ कृपा? हाँ लेकिन कृपा प्लीज कम नो। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ कृपा, सब ठीक है ना? मैं आऊँ क्या? नो नो, यू एंजॉय, आई एम रियली ओके। डॉक्टर को फोन करूँ क्या कृपा? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? सॉरी कृपा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती। अरे कुछ नहीं हुआ है, सारा दिन रिहर्सल करके थक गई होगी, शी बी ओके। ऐसा करते हैं, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ, ओके? वेटर। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बस अभी आया। एक्सक्यूज मी। ये अब वापस नहीं आएगा, लगता है सिर्फ तुम और मैं अकेले बैठ के खाना खाने वाले हैं। तुम? हाय कृपा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, क्यों? नहीं, वो एक्चुअली हर्षनी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम डिनर पे भी नहीं आए, तो मैंने सोचा कि वेल एक्चुअली मैं डिनर पे आना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और मुझे अपनी परेशानी तुम्हारे साथ शेयर नहीं करनी थी। कृपा। हाँ पृथ्वी, मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर की थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने पावर और दौलत के जोर पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। माना कि मेरे पेरेंट्स आज इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम नहीं कर पाते, लेकिन वो अंगद के पैसे लौटाने का पूरा इंतजाम कर देते। लेकिन कृपा प्लीज पृथ्वी, मुझे कहने दो, सवाल पैसों का नहीं है, सवाल फैसले का है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं ये जिम्मेदारी ना ही अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ना ही अपने दोस्तों के साथ। फिर तुमने इसे अपनी जिम्मेदारी कैसे समझ लिया? कृपा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें ये पैसे तरस खाकर नहीं दिए थे, और ना कि अपने पावर या पोजीशन दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए दिए थे क्योंकि तुम्हारा फैसला भी सही था और फैसले की वजह भी सही थी। तुम्हारा मकसद टानिया की हेल्प करना है और ना कि अंगद को नुकसान पहुंचाना। बस तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगी और मैंने तुम्हारी मदद की। पृथ्वी, मैं तुमसे ये पैसे नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन्हें लेते ही मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी, एक कर्जदार बन जाऊंगी, और मैं अपनी दोस्ती नहीं गंवाना चाहती। कृपा मत से, मैंने तुम्हारी जितनी हिम्मत आज तक किसी लड़की में नहीं देखी। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मतलब मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करके अपने पावर और दौलत का दिखावा करना चाहते थे, बल्कि तुम तो मुझे बचाना चाहते थे। अच्छा, थैंक्स मुझे सही समझने के लिए।
यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? ओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ शायद इसलिए, या फिर इस आउट हाउस में सिर्फ तुम्हारे कुछ खास दोस्त ही आ सकते हैं। पृथ्वी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फैंटास्टिक, झूठ भी कितना कॉन्फिडेंटली बोलती हो ना तुम। गुड, उस दिन क्या बोला था तुमने? हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, प्यार मेरे लिए कमोडिटी है। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी एक तस्वीर देखी, मेरी एक इमेज बनाई, कुछ ख्वाब देखे, और जब यहाँ के तुम्हारे ख्वाब टूट गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? इमेज तो तुमने बनाई थी ना। आई एम द सेम। मैं मानता हूँ कि मेरी प्राइवेट लाइफ और मेरी पब्लिक इमेज में बहुत फर्क है, लेकिन जो मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में कहता हूँ वो करता हूँ, समझी? तुमने कभी सोचा है कि तुम कहाँ से आई हो और मैं कैसे जीता हूँ? मेरा एक इंटरव्यू देखा, प्यार में विश्वास कर। कृपा, मैं प्यार में विश्वास नहीं रखता, कम से कम मैं ये एडमिट तो करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। अगर इतनी आदर्श की बातें करती हो तो पृथ्वी से मदद क्यों मांगी? क्यों लिया सच्चाई? अगर वो सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है तो इतनी रात को तुम्हारे साथ अकेले यहाँ क्या करा था? कृपा, दोहरी जिंदगी तुम जीती हो, मैं नहीं। कह चुके तुम? तुम्हारे एक एक शब्द में सच्चाई कम और जलन ज्यादा थी। खैर, तुम जहां से आए हो मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकती थी? पृथ्वी को देखकर तुम्हें तो यूं ही रिएक्ट करना था। जो इंसान प्यार और रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता वो दोस्ती को क्या समझेगा? अरे, पृथ्वी तो मेरा एक दोस्त बनकर मेरी मदद करने आया था, लेकिन मैंने उससे भी मदद नहीं ली क्योंकि मैं किसी के एहसान नहीं लेना चाहती। फिर एक आदर्श हाजिर जवाब। एक बात सुन लो अंगद, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देकर तुम्हारे कोई भी घटिया क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। Shut up. मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं करता है, तुम समझी? इसीलिए तुम ऐसे। You bloody. अंगद? What language is this? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं दादी। क्या हुआ कृपा, क्यों झगड़ा कर रहे थे, क्या बात है? वो दादी, पृथ्वी यहाँ आया था, उसे देखकर पता नहीं अंगद। नहीं बेटा, कुछ और बात है। मैंने अंगद के मुंह से ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी। तुम अपसेट मत हो, मैं पता लगाती हूँ। बहुत पी चुके बेटा, अब बस करो। आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। दादी, उसने मुझे इतना इरिटेट किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वजह जो भी हो, तुम्हें कृपा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, तुम तो जानते हो उसकी फैमिली मेरे लिए कितने मायने रखती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जरा जल्दी चढ़ता है, लेकिन फिर भी आज तक मैंने तुम्हें इस तरह से जानबूझकर किसी को हर्ट करते नहीं देखा। तो फिर आज क्या हो गया? पता नहीं। क्योंकि आज
पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की है कि तुम्हें इस तरह जवाब दे और तुम्हें समझ नहीं आया क्या करो। अंगद, म्यूजिक आपकी लाइफ है या बिजनेस? म्यूजिक बिजनेस लाइफ। सुना है म्यूजिक इंडस्ट्री में मंदी चल रही है, आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे दिलों में प्यार है, हमारे दिलों में जज्बात है, म्यूजिक हमेशा रहेगा। अंगद, इस नए शो में आपकी को सिंगर कौन है? जैसा आप जानते हैं कि मैंने मतलब हमारी कंपनी ने हमेशा न्यू टैलेंट को हमेशा सपोर्ट किया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप अपने इस नए टैलेंट को प्रेस से नहीं मिलवाएंगे? वैसे नाम क्या है इनका? वो लीजिए, वो खुद ही आ रही है। कि मैं तुम्हारे यहाँ पृथ्वी का कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है और इसे निभाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृपा, अंगद जैसे सुपरस्टार के साथ आपको गाने का मौका मिल रहा है, तो क्या आप खुद को लकी मानती हैं? हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, क्या है बताओ? मॉम, मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ। कोई लड़की है क्या? हाँ, मगर सिर्फ दोस्त है, अच्छी दोस्त। You're on the right track, sir. इस उम्र में ये सब होना ही चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या है? कह दो से। यही तो प्रॉब्लम है। वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। पता नहीं क्या सोचेगी। हाँ, कुछ नहीं सोचेगी वो। बस फोन उठाओ और कह दो से। या फिर कॉफी हाउस ले जाओ। हेलो, हाय, एक मिनट, जरा बात कर लूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो, हाय अंगद, हाउ आर यू? हाय मिस्टी, हाउ आर यू डूइंग? गुड, थैंक्स। अच्छा सुनो, तुमसे मिलना था, वो शो के बारे में कुछ बातें करनी थी। क्या शो के बारे में? देखो, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पृथ्वी और मैं पहली बार मॉम का काम संभाल रहे हैं। हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ये मीटिंग कॉफी के साथ हो जाए? Sounds great, why not? टी कैफे पे मिलते हैं? Great. Excellent, I'll see you. Bye. All right, bye. You know what, कृपा? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस गए, अंगद के साथ गाने के लिए तैयार भी हुई। वाकई कृपा, ये बहुत बड़ी बात है। You know, you're really strong. पता नहीं अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो। बात स्ट्रांग होने की नहीं है, बात कमिटमेंट की है, अपने डिसीजंस के रिस्पेक्ट करने की है। हमारे फैसले गलत नहीं होते, हालात गलत होते हैं, लोग बदल जाते हैं और हमारे फैसले बेमायने हो जाते हैं। हेलो, हाय कृपा, पृथ्वी बोल रहा हूँ। ओह हाय पृथ्वी, अभी तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। थैंक्स, इट वाज नाइस। कृपा, क्या तुम आज मुझे मिल सकती हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में?
नहीं, वो ऐसे ही शो के बारे में। ठीक है, कहाँ? तुम्हारे घर के पास जो कैफे है, एक घंटे में? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। तो तुम पृथ्वी के साथ कॉफी पीने जा रही हो? हाँ, उसे शो के बारे में कुछ बात करनी थी। वाओ, सो लकी। लकी? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कृपा, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोलो। वो तुम पृथ्वी से पूछोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है? पृथ्वी, आर यू सीरियस? यू आर सीरियस? तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। हाँ कृपा, मैंने पहले कभी किसी के बारे में ऐसा फील नहीं किया। तुम? हाँ बाबा, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी कि पृथ्वी के दिल में क्या है। ये लड़कियों को कंट्रोल करना कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कम ऑन अंगद, मुझे पता है तुम बहुत एंजॉय करते हो ये फीमेल अटेंशन। ये तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टी, अब तुम्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा क्या? तुम तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो। बिहेव योरसेल्फ, स्टूपिड। हे, लुक हूज हियर। हाय गाइस। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंगद से शो के बारे में कुछ बातें करनी थी। ओके, कैरी ऑन। हमारी बातें हो चुकी हैं। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं, आई एम सीरियस। प्लीज आके बैठो यहाँ पे। कम सिट विद अस। ओके मिष्टी। कब? क्या लोगे? व्हाट विल यू हैव? कॉफी। कॉफी? ठीक है, अभी लाता हूँ। आई थिंक मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत तो है नहीं। आई मीन, साथ में गाने वाले हो, आई एम श्योर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? कृपा, काम कैसे चल रहा है? काम चल रहा है? मेरे लिए तो सिर्फ एक काम है, एक मुश्किल काम। खैर, कॉफी। थैंक्स। अगर तुम लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो पता नहीं मुश्किल वक्त कैसे गुजरता। खासकर पृथ्वी और तुम्हारा, तुमने हर जगह मुझे सपोर्ट किया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी, नैनीताल जाने के बाद भी नहीं। तुम नैनीताल वापस जा रही हो? हाँ, कॉन्सर्ट के बाद। लेकिन क्यों? रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। वजह है कृपा, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही। तुम हमारे लिए रुक जाओ, हमारी दोस्त खातिर, फॉर आवर फ्रेंडशिप से। थैंक्स, लेकिन ऐसा नहीं कर पाऊंगी। एक महीना पूरा होते ही वापस चली जाऊंगी।